हेलो गाइस, आज का वीडियो एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या क्या है देखो, जैसे कि अब बेंजीन है, ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन मतलब छह कार्बन रहता है, 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन रहता है, छह साइड्स इसके हो सकते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 6 कार्बन का बना होगा कंपाउंड। ठीक है, और ये है दो कार्बन के बीच में, ये दो कार्बन अगर देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, ये होगा रेजोनेंस कंडीशन से रहता, ये रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन होंगे। ठीक है, इसी के लिए इसका जो पोजीशन है, ये जो है डबल बॉन्ड, इसका पोजीशन सर्टेन नहीं, अनसर्टेन है। कुछ समय के बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो इसी के लिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन में, मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये दो कार्बन बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है। ठीक, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 2-4 लिखते थे KLMN सेल में, दैट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 बॉन्ड ये करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड करेगा। कार्बन कार्बन के अंदर कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के अंदर या तो फिर कार्बन हाइड्रोजन का मिला के 4 बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के अंदर कितना है, 2 बॉन्ड है, ये एक, ये करेंगे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हुआ। सिमिलरली ये कार्बन के लिए देखोगे तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, सिमिलरली हर कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, तो उसको बोलते हैं बेंजीन। ये भी स्ट्रक्चर वही है, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम, मतलब तीनों एक ही है, बेंजीन ही है। हमारे पास बेंजीन में अगर CH3 लगा, बेंजीन में CH3 लगा हुआ, तो उसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मिथाइल, मिथ लगाते हैं, मतलब यहाँ पे 1 नंबर दे देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर दे देते हैं, 1 नंबर में CH3, 2 नंबर में, 2 नंबर कार्बन में CH3, दैट मींस 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक, ये एक नेमिंग है। इसका अगर हम कॉमन नाम देखेंगे तो ऑर्थो ज़ाइलीन होता है, इसका नाम ऑर्थो ज़ाइलीन। ऑर्थो मेटा पारा 3 यूज होता है, ऑर्थो में ओ मतलब ऑर्थो, हम नेमिंग लिख लेते हैं, ओ लिख देते हैं। ठीक, सिंबल ऑर्थो का ओ, मतलब 1,2 पोजीशन में अगर कोई कंपाउंड, कोई कार्बन या कुछ भी लगता है, जैसे कि CH3 लगा, 1 नंबर और 2 नंबर में लगा CH3 मिथाइल लगा, तो 1,2 डाइमिथाइल, ये टोटल पार्ट को बेंजीन बोलते हैं, तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थो ज़ाइलीन, क्यों ज़ाइलीन, इसका कॉमन नेम है ऑर्थो ज़ाइलीन, क्योंकि 1,2 पोजीशन में लगा है ऑर्थो, और ये दो, एक बेंजीन में दो बार अगर CH3 लगा, तो ज़ाइलीन बोल के हम नाम देना, ये नाम है उसको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली ये है क्या, मेटा ज़ाइलीन, क्यों, क्योंकि 1 नंबर में यहाँ पे CH3 लगा, 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में लगा, क्योंकि 1 2 3, 1,3 पोजीशन में CH3 है, तो 1,3 डाइमिथाइल, और ये टोटल पार्ट क्या, बेंजीन, तो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, 1,3 पोजीशन में लगा है, 1 नंबर में CH3, 3 नंबर में CH3, इसी के लिए मेटा पोजीशन के लिए M डिनोट करेंगे, मेटा, उसके बाद ये टोटल पार्ट है ज़ाइलीन, सॉरी ये बेंजीन है, तो 1,3 दो बार CH3 है, इसी के लिए डाई लगा, और ये CH3 है ना, इसी के लिए मिथाइल डाइमिथाइल, और ये टोटल पार्ट क्या है, बेंजीन है, इसीलिए 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। उसके बाद अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो 1,3 पोजीशन में लगाया ना CH3, इसी के लिए मेटा लगेगा, और इसको ज़ाइलीन बोलते हैं, मेटा ज़ाइलीन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे CH3 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1,4 पोजीशन में CH3 लगा है, तो 1,4 दो बार CH3 लगाया तो डाई, क्या लगा, मिथाइल लगा, तो डाई मिथाइल, टोटल को बेंजीन बोलते हैं, तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया। इसको अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो 1,4 पोजीशन में लगा CH3, तो पारा ज़ाइलीन होगा इसका नाम। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 6 नंबर वाला कंपाउंड बेंजीन में CH2 लगा, CH3 लगा,
दो कार्बन लगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, वाटर दो है, इज इक्वल इथ वायर इथाइल और ये टोटल क्या है बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन इसका नाम है, ठीक है, इसको नोट करो।